मुल्तान में बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नचकारी नामंजूर। नामंजूर 900 टीएलए मुलाजमीन को मुस्तकिल क्यों नहीं किया जा रहा। मेपको हेडक्वार्टर के बाहर हाइड्रो यूनियन के मुलाजमीन सराप एहतजाज। रीजन भर के तमाम मेपको दफातर को ताले। खानेवाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सार्फिन को मुश्किलात। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर में बस और वैगन मालिकान ने कोरोना फैलाने का बेड़ा उठा लिया। मुसाफिर बस और वैगन स्टैंड पर कोरोना एसओपीज की धज्जियां। मास्क का इस्तेमाल, ना ही सामाजिक फासले का ख्याल। बसों और वैगनों में ओवरलोडिंग। हुकूमती एसओपीज महज कागजों की जीनत तक महदूद। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखने वाले अड्डा मैनेजर और अवाम सब लाइल। मुल्तान में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। जिला भर में जिले इंतजामिया इन एक्शन। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की इंस्पेक्शन। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 18 मुसाफिर बसों के चालान। सेक्रेटरी आरटीए राणा मोहसिन ने 71,000 से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए। खातून को हरासा करने का केस। जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए खुरम लगारी की अबूरी जमानत 13 सितंबर तक मंजूर। एडिशनल सेशन जज राय मोहम्मद यासिन शहीन ने अबूरी जमानत पर समाप्त की। और बहावलपुर में सेक्रेटरी लाइफस्टॉक जनूबी पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आफ्ताब अहमद पीरजादा ने यूनियन काउंसिल मेहराब वाला और अहमदपुर का मुआयना किया। मवेशी पाल लोगों से मुलाकातें। मूंगफल की वैक्सीनेशन बारे दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी लाइफस्टॉक ने फील्ड में मौजूद स्टाफ के काम पर शाबाश भी दी।